पिछोर ब्लॉक के शिवपुरी विधानसभा उमरी कला में खेल युवा कल्याण मंत्री यशोधर राजे सिंधिया का एक दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुटीर बनाई गई थी यशोधर राजे के द्वारा हितग्राहियों को उनका गृह प्रवेश कर चाबी सौंपी गई। इसके बाद राजे द्वारा जन चौपाल लगाई। जन चौपाल में कई अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कलेक्टर साहब को आदेश दिया कि तुम्हारा पिछोर एसडीएम कोई काम नहीं करते हैं, इन पर तत्काल रूप से एक्शन लिया जाए। इसके बाद कई विभागों के कर्मचारियों को मौके पर ही निराकरण के लिए आदेशित किया गया। इसी वक्त यशोधर राजे सिंधिया का मंच पर प्रोग्राम चल रहा था, तभी कुछ अधिकारी कर्मचारी नाश्ता करने में व्यस्त रहे। मंच से उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारे लोगों को ही आप परेशान करते हैं, उनके फोन नहीं उठाते हैं, इससे वे बहुत नाराज हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन जनता के बीच सुना गया। इस मौके पर कलेक्टर एसपी आदि जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ऐसी दूर दृष्टि मैंने कभी देखी नहीं। एक एक पल पल पे हमारे ग्रामीण जनता के लिए उनकी जो चिंता है वो मैंने खुद आमने सामने करके देखी है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि कम से कम 20 साल पहले 25 साल पहले यही प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री थे और राजमाता तो राजमाता थी, तो यही प्रधानमंत्री के साथ मुझे मौका मिला कि मायापुर से लेके कहां तक, मनपुरा से लेके मायापुर, वो रोड जो आप लोगों की मांग थी कि मनपुरा से हमारे यहां तक रोड बन जाए, पर जो सुनवाई हुई तो मनपुरा से लेके आपको भी पार करते हुए मायापुर पर पहुंचने के लिए। ऐसी है शिवराज सिंह सरकार, ऐसे हैं हमारे कलेक्टर और एसपी जो आपके लिए सोचते हैं। तो बढ़ चढ़ के देखते हैं कि हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारी जनता के लिए, क्योंकि जो नेतृत्व है हमारी शिवराज सिंह चौहान की और हमारे फास्ट समाचार के लिए पिछोर से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।